फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12th का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो चार्ज से रिलेटेड शब्द है और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग उन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट कंडीशन में है, जिसमें कोई मोशन नहीं है। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अंदर चार्ज बॉडी। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी मतलब इसका प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो सकता है। मतलब चार्ज के ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मास, मास भी क्या है, एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इस मार्कर का कुछ मास होगा तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मास कहाँ से आया। तो चार्ज के पास क्या होता है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। 11th क्लास में हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। तो चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब यदि कोई बॉडी पहले से न्यूट्रल है और यदि वो बाद में चार्ज होता है तो उसका मास में चेंज होगा। मास कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा, हम लोग आगे देखेंगे। दो टाइप का चार्ज होता है, पहला हो गया आपका
पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड हो गया निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस क्यू और निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग जो पहले से न्यूट्रल है, मतलब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, तो इसके पास दस प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, और हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा। निगेटिव चार्ज में देखते हैं, पहले से ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मतलब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अब इसके पास 10 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, और जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये अब ऑब्जेक्ट माइनस शो करेगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यदि एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और नेगेटिव चार्ज में एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो 3 ये लूज किया, वो स्टेबल होने के लिए लूज कर सकता है, या फिर जब दो बॉडी आपस में हम लोग रब करते हैं उस केस में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यहाँ भी वही केस है, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर जब दो बॉडी हम लोग आपस में रब करते हैं उस केस में हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट हम लोग ए लेते हैं जो पहले से न्यूट्रल है, और एक दूसरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं बी, ए भी पहले से न्यूट्रल है, इसको भी मान लेते हैं 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को आपस में ला के रब करेंगे, पहले से इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि इसको देता है तो इसके पास 10 प्रोटॉन और कितना हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन था 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, तो ये आपका
निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पहले से दोनों ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रल है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग दोनों को आपस में रब करते हैं तो एक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाता है जिसके वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज, और एक में एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ए से बी में ही इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पे। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको देने से उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में पहले से एक ऑब्जेक्ट चार्ज होना चाहिए। मान लेते हैं पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा इसके पास। मानते हैं इसके पास 7 प्रोटॉन है और 10 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक न्यूट्रल बॉडी लाएंगे इसके पास और इसे टच करेंगे। इसके पास पहले से 10 प्रोटॉन और 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब एक वायर के थ्रू दोनों को आपस में हम लोग टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो प्रोटॉन क्या चाहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ए में पहुँच गया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो कितना हो जाएगा, 7+1 8, 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। फिर भी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है लेकिन यहाँ इसके कंपेरिजन में यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे कम पॉजिटिव शो होगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पे तो पहले दोनों बराबर था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गया। 10 प्रोटॉन और 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, तो ये भी आपका प्लस शो करेगा। इसके बाद है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग को ना रब करना है ना टच करना है, बस बगल में ले जाके उसको चार्ज करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इंसुलेटर लेना पड़ेगा, इंसुलेटर स्टैंड लेना पड़ेगा। इंसुलेटर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास ना हो। अब इसके ऊपर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस। अब इसके बगल में एक निगेटिवली चार्ज रड को लाएंगे, टच नहीं करना है बस उसके बगल में ले जाना है। तो ये क्या करेगा, माइनस वाला को धकेल देगा और प्लस वाला को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यानी पोलराइज कर देगा। अब क्या करना है, एक वायर से अर्थ कर देना है। अर्थिंग समझते हैं, एक वायर को जमीन के साथ कनेक्ट करना है। हम लोग जानते हैं अर्थ जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्योंकि ये छड़ अभी यहाँ पे प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। अब इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से तो ये पूरा फैल जाएगा।
पहले से ये जो ऑब्जेक्ट था वो न्यूट्रल था, लेकिन हम लोग बिना टच किए इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाए। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं बिना टच किए। अब आता है नेचर ऑफ चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल इच इच अदर। मतलब यदि दो नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या फिर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो रिपल्सन, अपोजिट नेचर का रहेगा तो अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक केस बच जाता है कि यदि कोई चार्ज, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, नेगेटिवली चार्ज होने पर मास कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके पास मान लीजिए 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यदि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है, तो इसके पास 10 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। मतलब यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास में कमी आएगा, और नेगेटिवली चार्ज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले से 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आया तो कितना हो जाएगा 10 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो इसका मास इंक्रीज करेगा। इसलिए यदि कोई बॉडी पहले से न्यूट्रल है और यदि बाद में वो चार्ज होता है पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, तो उसका मास में चेंज होता है। इसलिए चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। एलिमेंट्री चार्ज क्या है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंटली इज नॉन एज एलिमेंट्री चार्ज। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉन एज एलिमेंट्री चार्ज।
इसका मान होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जिसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। अभी इससे छोटा चार्ज भी खोज हो गया है, जिसका मान होता है E बाय 3 टू E बाय 3, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंट पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के रूप में ही पाया जाता है। चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग इसलिए नोट करते हैं। कहने का मतलब जो चार्ज किसी बॉडी में पाया जाएगा वो 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, डॉट 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 एन ई, मतलब पॉइंट या फिर फ्रैक्शन में नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा इंटीजर में पाया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 10 लाख, इस तरह। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई में Q क्या है? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। एन क्या है? इंटीजर है। और ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज कितना वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इससे कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग। द चार्ज ऑन 5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है, तो जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए बोलेगा तो Q इक्वल टू फॉर्मूला लगाइएगा माइनस एन ई, और जब प्रोटॉन की बात होगी तो Q इक्वल टू प्लस एन ई। कैलकुलेटर चार्ज ऑन 5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल टू माइनस एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 5 इंटू 10 टू द पावर 8, 5 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.0 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 19, 8 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस 11 कूलम। सिंपल सा है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना दिया हुआ रहेगा उसको एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें एक और दूसरा टाइप का सवाल आ सकता है,
calculate the charge on 10 protons in ESU. ये भी चार्ज का यूनिट है, सी जी एस यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या है कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। तो हम लोग को पहले जैसे इसको मैं फाइंड आउट किया कूलम में, उसको लास्ट में 3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, प्रोटॉन की बात हो रही है तो q इक्वल टू प्लस n ही लीजिएगा, q इक्वल टू 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो 16 × 10⁻¹⁹। ESU में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई, 3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका ESU में चेंज हो जाएगा 48 × 10⁻¹⁹ प्लस 9, तो हो जाएगा 48 × 10⁻¹⁰ ESU। एक और टाइप का इसमें सवाल आ सकता है, ए पार्टिकल हैज चार्ज 32 × 10⁵ कूलम, कैलकुलेट द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी पे तो ऑब्वियस है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो कितना डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 32 × 10⁵ कूलम। तो जब चार्ज पॉजिटिव में दिया हुआ हो तो क्यू इक्वल टू प्लस एन ही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि एन हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। और यदि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ रहेगा तो क्यू इक्वल टू माइनस एन ही लगाइएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन जो है आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो क्यू का मान दिया हुआ है 32 × 10⁵ और एन का मान है आपके पास, निकालना है इनका मान, ई का मान आपके पास है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो 32 × 10⁵ इसे डिवाइड कर दीजिए 1.6 × 10⁻¹⁹ इक्वल टू एन, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा, यह पकड़ जाएगा 20 बार में, तो 20 × 10⁵ इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ माइनस से प्लस में हो जाएगा, 10⁵ फॉर 1924। कितना इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगा, 20 × 10⁴।